दोस्तों हजारों साल पहले हमारे सुपर हीरो और चूचो चाली के बीच में लड़ाई हुई और आखिरकार सुपर हीरो ने उसको पकड़कर हमारी वॉइस टाउन से काफी दूर समुद्र के बीचों बीच में छोड़ आया। लेकिन कई सालों बाद में वो वापस लौट आई है और सुपर हीरो को ढूंढ रही है बिल्कुल कुत्तों की तरह। और ये अकेले नहीं आई है, पहले तो ये अकेली थी लेकिन इस बार अपने साथ में लाई है ढेर सारी सेना। हाँ, मकड़ियों की सेना, जहरीली मकड़ियों की सेना। और ये पूरे वॉइस टाउन में फैलती ही जा रही है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। टिप्सन सुपर हीरो कहाँ पे है? इस बार वो वॉइस टाउन को नहीं बचा सकता। ये तेरी गलत फहमी है चूचू। चार्ल्स पहले तो सुपर हीरो ही था लेकिन अब वॉइस टाउन को बचाने वाला हमारे पास रोप हीरो भी है। वो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चला जा यहाँ से, निकल जा वॉइस टाउन से। टिप्सन देख लूंगा तुम्हारे रोप हीरो को भी। दोस्तों रोप हीरो तो यहाँ पे सुबह सुबह जॉगिंग के लिए आया हुआ था लेकिन अभी टिप्सन भाई का कॉल आया कि कोई सुपर हीरो को मारने के लिए आ गया है वॉइस टाउन में। लेकिन यार रोप हीरो को कैसे पता चलेगा क्योंकि ये तो पैदा भी नहीं हुआ था भाई उस टाइम पे। हाँ, जब चूचो चाली और सुपर हीरो के बीच में लड़ाई हुई थी। चलो उनके पास में चलते और देखते हैं भाई चूचो चाली आखिर होती कैसे है, क्योंकि रोप हीरो को अभी तक बिल्कुल भी खबर नहीं है उसके बारे में। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। रोप हीरो यार कहाँ पे गाड़ी को लेके आया है? देखो इन गलियों के अंदर गाड़ी को लेके आया है भाई। रोप हीरो तो रोप हीरो ही है। चलो भाई फटाफट चलते हैं, वैसे हमारी गाड़ी भी निकल चुकी है। चलो भाई फटाफट टिप्सन भाई के पास में चलते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है आखिरकार, और ये चूचू चार्ल्स है कौन और ये कितना खतरनाक होने वाला है। वैसे रोप हीरो हमारी गाड़ी को काफी उड़ा रहा है। अरे भाई आराम से, कहीं पुलिस वालों से टकरा गई तो पुलिस वाले तेरे को पेल देंगे। चलो भाई यहाँ पे आ चुका है हमारा घर। हाँ हमारा घर आ चुका है। रोप हीरो यार गाड़ी धीरे कर ले, तूने पिछली बार भी टिप्सन भाई को ही उड़ा दिया था। ये देख के देख बच गया टिप्सन भाई। अरे भाई आराम से, धीरे धीरे चलाने का, टिप्सन भाई को ही उड़ा रहा है तू तो। वैसे वैसे यहीं पे रोकनी है। और मामला क्या है आखिरकार टिप्सन भाई, मुझे तो बताओ यार। रोप हीरो सारी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा लेकिन अभी हमारा शहर खतरे के अंदर है। चूचू चार्ल्स सुपर हीरो को ढूंढ रही है और वो अपनी सेना भी लेकर आई है। तुझे उसकी सेना को खत्म करना पड़ेगा, उसकी सेना को मारना पड़ेगा और उसको कमजोर बिल्कुल भी मत समझना। ठीक है टिप्सन भाई, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं उसकी सेना को तो मार ही दूंगा और उसको भी मार दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे सुपर हीरो का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं। वैसे मेरे को नहीं पता कि उसकी सेना कहाँ पे है और कहाँ तक आ चुकी है। वैसे वो सारे के सारे सुपर हीरो के पीछे है भाई। रोप हीरो के होते हुए तुम सुपर हीरो का बाल भी बाका नहीं कर सकते यार। सुपर हीरो को ऐसे कैसे मार सकती है वो? अब रोप हीरो पैदा हो चुका है भाई, ऐसे थोड़ी है। और रोप हीरो तू गाड़ी आराम से चला यार, देखते देखते चल, वो कहीं पर भी हो सकती है उनकी सेना। वैसे मेरे सारे पेड़ से भी ठोक दी तूने तो। आराम से चला रोप हीरो, आराम से चलाने का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वो कोई छुपी हुई जगह पे हो सकती है और अपनी सेना को तैयार कर रही है वॉइस टाउन को बर्बाद करने के लिए। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं होने देंगे भाई हम। हाँ उसका सपना पूरा नहीं होने देंगे। रोप हीरो आराम से पेड़ से फिर से टकराने वाली है लेकिन बच गई। यहाँ पे रुक के थोड़ा वो देख ले यार, शायद यहीं पे छुपी हो, शायद समुंदर के अंदर हो, कहीं पर भी हो सकती है। चलो भाई यहाँ पे उतर कर देख ही लेते हैं कि मामला क्या है। क्या यहाँ पे कोई चूचू चार्ल्स है क्या? वैसे रोप हीरो को अभी तक पता नहीं है कि चूचू चार्ल्स दिखती कैसे है भाई, क्योंकि इसने कभी नहीं देखी। ये क्या चूचू चार्ल्स? नहीं यार ये थोड़ी है रोप हीरो चूचू चार्ल्स, ये तो कोई आदमी है। चल दूसरी जगह पे देखते हैं, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही, शायद कोई मॉन्स्टर की जैसे ही तो होगी ना चूचू चार्ल्स। हाँ रोप हीरो को शायद ऐसे ही पता है। चलो दूसरी जगह पे जाके ढूंढते हैं। भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? ये रोप हीरो की गाड़ी है, ये देखो रोड स्टार कार कभी देखी नहीं क्या? चलो भाई लोगों यहाँ से निकलो, ये रोप हीरो की कार है। चलो दोस्तों दूसरी जगह पे चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। पता नहीं उनकी सेना कहाँ पर होगी, मेरे को नहीं पता। उसका वहाँ पे चल के देखते हैं यार। हाँ वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे उनकी सेना हो सकती है शायद। चलो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे और मेरे को कुछ ना कुछ तो दिख रहा है भाई। यहाँ पे तो कुछ नज़ारा अजीब ही है। ये देखो कितनी सारी सेना और ये निकलती जा रही है। इनका सबसे पहले काम तमाम करना पड़ेगा। ये रोप हीरो के होते हुए वॉइस टाउन तक नहीं पहुंच सकती। हाँ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती भाई, रोप हीरो ने इनको जड़ से ही खत्म कर दिया आखिरकार। दोस्तों यहाँ पे मैं आया तो मेरे को पता चला कि भाई पुलिस वालों के ऊपर भी हमला हुआ है। ये देखो पुलिस वालों को मार दिया यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा संख्या के अंदर पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। इनका टैंक भी पलट दिया बेचारों का। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और आपको मिलेगा शूट आउट। हाँ टॉप 12 लोगों को शूट आउट मिलेगा। तो हमारा पहला नाम है हमारा हनी, एसके गेमिंग, आदित्य सैनी और हमारे ऋषु, अमित कुमार, हिमांशु, पवन, हरविंदर, प्रिंस, जिसान,
जहर अहमद और लास्ट के अंदर मनीषा, आप सभी के काफी अच्छे अच्छे नाम है और आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1K लाइक। हाँ दोस्तों, फटाफट से लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम जरूर बताना, शायद आपका नंबर हो अगली बार शूट आउट का। तो दोस्तों, ये मेरे सामने है ये रोबोटिंग कार, मैं इसकी यार कितनी देर हो गई मेरे को, मैं इसके अंदर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे को बैठने ही नहीं दे रही है भाई। ये देखो, इसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा है भाई साहब, भाग रही है मेरे से, बचकर भाग रही है। अगर भाई ये मिल गई ना तो हम चूचू चार्ली को तो आराम से हरा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये किसी को भी अपने अंदर नहीं बिठाती है दोस्तों। तो फटाफट यार अपन तो अपना टैंक लेके चलते हैं, टैंक से भी मर तो सकती है क्योंकि ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको तो पता ही है। तो मैं फटाफट चलता हूँ टिप्सन भाई के पास में। क्या भाई टिप्सन भाई, इससे मर सकता है क्या? अरे यार रोपिरो ने तो उसको मार दिया, दूसरे आदमी को। रोपिरो आराम से चलाने का यार, तू हमेशा जल्दबाजी पता नहीं क्यों करता है, इसलिए तू धीरे धीरे चला और टिप्सन भाई के पास में रोक कर पूछ ले इसको ही कि यार सही है क्या टैंक, टैंक से हम चूचू चार्ली को हरा सकते हैं क्या? टिप्सन भाई, क्या हम यार इस टैंक से उस चूचू चार्ली को मार सकते हैं? रोपिरो पहले से कई गुना ताकतवर हो चुकी है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। ठीक है टिप्सन भाई, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो यार हमारे टैंक के सामने टिक पाएगी, क्योंकि भाई ये बहुत खतरनाक टैंक है, इसके अंदर से तोप का गोला छूटता है, आपको तो पता ही है ये काफी खतरनाक है। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं उसको ढूंढने के लिए, पता नहीं वो कहां पे होगा यार। और वैसे आराम से चलाने का भाई, पुलिस वालों को मत ठोक देना वरना ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, और वैसे शॉर्टकट लेंगे, हाँ इधर से चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद में मेरे को चूचू चार्ली मिल ही गई और वो यहाँ पे है बिल्कुल मेरे सामने। ओ तो तू है क्या रोपिरो, तेरे को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं चबा सकती तू मेरे को कच्चा, क्योंकि तू मेरे बारे में जानती क्या है भाई, तेरा बाप हूँ मैं तेरा बाप, और इस शहर से निकल जा वरना मैं तोप से उड़ा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे चूचू चार्ली ने बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया, इसका बदला रोपिरो लेकर रहेगा। और फटाफट चलते हैं हमारे टैंक के अंदर और इसका अंत करते हैं। यार सुपर हीरो को मारने के लिए आई थी लेकिन अब इसको मरना पड़ेगा मेरे हाथों। दोस्तों टैंक चल रहा है लेकिन ये क्या भाई, ये तो बच गई। मेरे को मारना इतना आसान भी नहीं है रोपिरो, अभी तो जा रही वापस आऊंगी। दोस्तों ये क्या हो गया भाई, वो तो आसानी से बचकर भाग गई भाई, क्या जंप लगाती है, कितनी ऊपर तक जंप लगाया उसने। टिप्सन भाई उसको मारना कठिन है यार, आप सही बोल रहे थे, वो पहले से कई गुना ताकतवर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा और उस पार्ट के अंदर उसका अंत जरूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना, ताकि मैं जल्द से जल्द वो नेक्स्ट पार्ट बनाऊं आपके लिए। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास में इसका नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आए। तो दोस्तों एक और वीडियो में मिलेंगे एकदम धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।